हेलो स्कॉर्पियो, अभी हम देखेंगे कि मार्च मंथ आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या खुशियां आ रही हैं मार्च मंथ में, क्या एनर्जी रहेगी आपकी और आपके पर्सन की, और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखिए, गाया का भी जो है मैसेज है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आया है। आप 5D से अभी आप 3D में आ जाइए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 5D में एंटर कर गए थे और अभी आपको ये कहा जा रहा है कि 5D की जो बातें हैं, ठीक है, वो 3D में आप उनको लोगों से डिस्कस करिए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस कि अभी आपको ग्राउंडेड होने के लिए भी कहा जा रहे हैं और आप 3D में आ जाइए। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप 3D में आ जाइए। अभी अभी तक तो आप शायद 5D में एंटर कर चुके थे, तो इसलिए आपकी लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीजें भी हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। जिनको 5D की कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं कुछ 2-4 महीनों में, क्योंकि ये मैसेज कुछ मेरे लिए भी है यहाँ पर, ठीक है। मैं भी अभी 5D में थी और काफी कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, मिस्टीरियस चीजें हो रही थी। अभी मैं भी 3D में आ रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग जो मेरे साथ एनर्जी में मैच कर रहे हैं, कुछ उनके लिए भी मैसेज है, क्योंकि आपकी जर्नी हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी हो, क्योंकि मेरी भी ट्विन फ्लेम जर्नी है और मैं अभी 5D में थी। 3-4 महीने से 5D के चीजें मेरे साथ में हो रही थी और मुझे वो सारा एक्सपीरियंस हो रहा था जो 5D में होता है। इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन चीजों को 3D में अलाउ कीजिए। 3D में मतलब लोगों से डिस्कस करिए, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक तो आपको टाइम को पहचानना है, ठीक है, टाइम को पहचानना है। दूसरा मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट है, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी आप जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या आपके सोल पर पर्पज को जानना चाहते हैं, लाइफ पर्पज जो आपका है उसको जानना चाहते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर कि आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। 3D में आपको उनको आगे जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि स्कॉर्पियो आपके लिए कि आपको प्यार को चुनना है। दूसरा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ में कोई इन्वॉल्व है, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह, तो आपको उनको भी समझना है, ठीक है, और आपको अपने पार्टनर का हेल्पिंग हैंड भी बनना है, उनको भी उस सिचुएशन में हेल्प करना है, ठीक है। यहां पर आपके लिए मैसेज है। मास्टर बुद्धा का बहुत स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है। मास्टर बुद्धा का यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका मास्टर बुद्धा से बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन हो और आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बताना चाहती है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप एनलाइटेंड हैं, ठीक है, पूरी तरह से एनलाइटेंड हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मास्टर बुद्धा के पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप भी वही जो बातें मास्टर बुद्धा बोलते थे, वही बातें आप भी सोचते हैं, वही करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसी पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मास्टर बुद्धा यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करिए अपनी इनर वॉइस का, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आपकी इंट्यूशन सही आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, उसी रास्ते पर आगे बढ़िए, ठीक है। अभी शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं बिखर गया हूँ, मैं टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, अब मैं बिल्कुल मतलब निराश हो गया हूँ। आपको क्योंकि मिस्टीरियस चीजों से आपने सामना किया है, कुछ मिस्टीरियस चीजें हुई हैं, कुछ आपके एनिमीज भी उभर कर आए हैं, पता चला है कि आपके कौन कौन एनिमीज हैं, कौन कौन जो है अंधेरे में है, डार्कनेस में है, और कौन जो है उजाले की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप तो उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उजाले की तरफ बढ़ने वाले के लिए दुश्मनों की कोई कमी नहीं होती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपोज करने
वाले बहुत ज्यादा थे आपके, और आपने ये टाइम पीरियड जो निकाला 3-4 मंथ का, ये बहुत ही स्ट्रगल भरा निकाला है। आप उससे अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बाहर निकलना भी चाहिए, अपने होलनेस में आना चाहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको पहचानना चाहिए कि आपके अंदर पावर है। यू हैव द पावर, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको ये अपना मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और आप सब कुछ कर सकते हैं, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए और देखते हैं। कर्मों की शुद्धि, जो भी हुआ है अभी, आपने मिस्टीरियस चीजें देखी हैं, आपने आप अपोज वाले बहुत ज्यादा देखे, आपके घर में आपके बच्चे भी आपका अपोजिशन करते होंगे, आपके पार्टनर भी, आपके फैमिली मेंबर्स भी, उनके फैमिली मेंबर्स भी, आसपास के लोग भी काफी अपोज करते होंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से आपने स्ट्रगल में जो टाइम पीरियड निकाला है, तो अभी ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो भी आपके कर्म थे उनकी शुद्धि हुई है, ठीक है? पता चला है आपको कि कितने लोग आपके अपोजिशन में खड़े हैं, ठीक है? ये डिवाइन टाइम है, ठीक है? डिवाइन टाइम आ गया है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि गाइस की डिवाइन टाइम आ गया है, और यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो भी चीजें आपकी हैं, जैसे सपोज करो कि आप प्रॉपर्टी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है, ऐसा नहीं है, वो आपको मिलेगी क्योंकि वो आपकी है। आपका पार्टनर अगर आपसे दूर है तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है? जो भी चीजें आपकी हैं वो आपको जरूर मिलेंगी। आपके बच्चे जो आपसे अभी अपोजिशन में थे, खड़े थे, वो भी आपके ही हैं, तो वो भी आपके साथ में सपोर्ट सिस्टम बन करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि ये सब कुछ डिवाइन टाइम पर ही होगा, ठीक है? दैवी समय, एक समय होता है हर चीज का, ठीक है? तो मार्च मंथ में आपको कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप अदित्य हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, इसलिए आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ी है, और हो सकता है पिछले जन्मों की जो जर्नी है वो अभी कंप्लीट हुई है, और जिस मकसद के लिए आप पृथ्वी पर आए थे वो आपने किया है कंप्लीट अभी, और उसका कुछ लाइफ पर्पज अभी कुछ बाकी है। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइज, ये बहुत कम लोगों ने जर्नी कंप्लीट की है, जिसमें मैं एक शामिल हूँ उनके साथ में, जिन्होंने जर्नी पूरी की है, ठीक है? जो पिछले जन्मों की थी वो, जिसमें मेरा भी योगदान है, मैंने भी अपनी अपने सफर को जो है कंप्लीट किया है पिछले जन्मों का, और अभी मुझे इस जन्म की जो ड्यूटी है वो मिली है, तो मुझे वो कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप भी मेरे साथ में अगर सेम पेज पर हैं तो आपको भी ये मैसेज रेजोनेट होगा, ठीक है? और आपको दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका सफर अनोखा है, किसी और से आप स्वयं की तुलना ना करें, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। पास्ट में ना जी करके आपको प्रेजेंट में जीना है। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है? सामना करना ही नहीं चाहते उस परिस्थिति का, इसलिए हमें बहुत ज्यादा दुख मिलते हैं। इसलिए यूनिवर्स ये भी कहना चाहता है कि जो भी आपके सामने परिस्थिति आ रही है, आप उसका सामना करिए, ठीक है? अगर आप उससे भागेंगे तो आपको दुख मिलेगा, इसलिए आप उस परिस्थिति से निपट जाइए, मतलब उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, ठीक है? तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं स्पेशली आपके लिए, और बहुत कम लोगों से कुछ मैसेज रेजोनेट होंगे, जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हों गाइस। जो मेरे साथ सेम पेज पर हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज उनके लिए भी रेजोनेट हों, क्योंकि मुझे क्योंकि मेरी भी स्कॉर्पियो राशि है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो चलिए गाइज, अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी, पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ। देखिए, आपके पर्सन काफी एंजाइटी से गुजर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ चिंता है, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ जर्नी है, ठीक है? और 5D से गुजरना कोई मतलब हंसी खेल नहीं है, इसको बोल देते ना कि भाई बहुत टफ सिचुएशन थी, और जिसमें अपोज वाले बहुत ज्यादा थे, अपोजिशन वाले बहुत ज्यादा थे, और ये अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा अपोजिशन वाले होते हैं, और यहाँ पर हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक नई बिगनिंग चाहती है आपके साथ में,
ठीक है, स्पिरिट गाइड्स भी उनको काफी हेल्प कर रही हैं, एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइड्स कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती होंगी, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं आपके पर्सन भी और आप भी, ठीक है, सेम पेज पर हैं आप लोग, इसीलिए उनको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत थक गए हैं वो इस जर्नी को सहन करते करते, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से गुजरना कोई मतलब हंसी खेल नहीं है। मैं बार बार यही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत टफ जर्नी है और जिसमें आपने पार पा लिया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि काफी पूजा पाठ किए हैं, काफी इनर वर्क किया है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने भी काफी पूजा पाठ की है, और आपके पर्सन का भी थर्ड चक्रा जो है आर्केंजल शैमुएल जो है वो उनको थर्ड चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं कि हेल्थ इश्यू हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि या आपके हैं तो आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है, और ये हो सकता है कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद स्कॉर्पियो की जो है एनर्जी है, क्योंकि उनका हर्ट चक्रा काफी एक्टिवेट है, ठीक है, और काफी समझदारी से स्कॉर्पियो डिसीजन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि एनर्जी रिवर्स हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एंसेस्टर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एंजल्स भी जो है उनकी ब्लेसिंग मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो है आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी चेक करनी थी तो उन्हीं की कर रही हूँ, तो एनर्जी रिवर्स हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि गाइस की सब कुछ जो है बंधा हुआ सा है, जिसमें से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, जकड़ गया हूँ, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। आपके पर्सन जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको वो अपना फेमिनाइन देखती हैं, फेमिनाइन, ठीक है, वो आपके मैस्कुलाइन है और आप उनके फेमिनाइन हैं, और शायद गॉड से विश भी मांग रहे हैं आपके लिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत खुशी आएंगी, अबंडेंस आएगी, ठीक है, चिंता ना करें, मार्च मंथ आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। अभी मैं आपकी एनर्जी को चेक करूं, स्कॉर्पियो की एनर्जी को चेक करूं तो एनर्जी रिवर्स हो सकती है, ठीक है, देखिए रेस्ट एंड रिजनरेट, आप शायद बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं आप भी, क्योंकि इस एनर्जी से बाहर निकलना, 5D की ऊर्जा से बाहर निकलना, 3D में एंटर करना दोबारा से बहुत टफ काम है, और धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल रहे हैं, और इसमें टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपसेट हो जाते हैं सभी सभी, पूरा परिवार जो है वो टेलीपैथिक कनेक्शन करता है, पूरे पूरा परिवार, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो जो जो इस जर्नी में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं वो करते हैं, जितना उनसे होता है उतना वो करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा अपसेट भरी लाइफ हो गई है आप लोगों की, और यहाँ पर जो है सक्सेस आपको मिली है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिली है, क्लियरिटी मिली है कि किस तरह से जो है हम लोग आगे बढ़े हैं, अभी रूट चक्रा जो है आपका एक्टिवेट है, और आपको अबंडेंस मिलेगी, आपके पर्सन की लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, खुशहाली आएगी, और यहाँ पर आपको वाइजली एक रास्ता चुनना है, उस पर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, इसलिए जो है यहाँ पर 1-1 आपको नई बिगनिंग करनी है, 111 आपको दिखती होंगी, 11-11 आपको दिखती होंगी, नई शुरुआत आपको करनी है, आपने काफी रेस्ट कर लिए हैं, अभी आप आगे बढ़िए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है, पैसे का आगमन होगा, ठीक है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो वाइजली रास्ता चुनिए और उसी पर आगे बढ़िए, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है और उससे ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, मैंने बताया ना आपके कि भाई आप 5D में एंटर कर चुके हैं, तो आपके सारे चक्रा तो अलाइनमेंट में हैं, एक्टिवेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनी में है आपके, ये सब कुछ डेस्टिनी में था इसलिए आपको ये मिला है, ये आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, और अभी आप इस जन्म की जो जर्नी है आगे की वो कंप्लीट करेंगे, अभी पास्ट का किया है, पिछले जन्मों का जो काम अधूरा था, पेंडिंग था, वो काम कंप्लीट कर चुके हैं आप, अभी आगे बढ़ना है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इसीलिए आपने काफी एफर्ट्स लगा करके उसको कंप्लीट कर लिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है, आधे लोग तो जो है आधे लोग तो बीच रास्ते में ही छोड़ करके इस जर्नी को साइड हो जाते हैं, क्योंकि
इसमें दोनों पार्टनर को साथ में आगे बढ़ने की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोग तो डाइवोर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जर्नी अधूरी रह जाती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जर्नी को कंप्लीट कर ही नहीं पाते क्योंकि इनर वर्क नहीं करती हैं, इनर वर्क नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करती हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट भी नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी एक्टिवेट ही हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाइस की जरूरी भी है। ठीक है, और ब्लड लाइन हीलिंग करना, एंसेस्टर हीलिंग करना, डीएनए हील जो करना है वो सब कुछ करना, इनर वर्क बहुत करना पड़ता है इसमें, और हीलिंग करनी पड़ती है अपनी, जो वो सब कुछ करना पड़ता है, और फॉरगिव करना पड़ता है, फॉरगिव और फॉरगेट दोनों ही चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत टफ जर्नी थी और उससे आप अभी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में खुशी आएंगी क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड आया, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और हर्ट चक्र भी आपका एक्टिवेट है। ठीक है, हर्ट चक्र भी आपका एक्टिवेट है, और दोनों ही पार्टनर को अभी खुशी मिलेगी मार्च मंथ में। विजडम, नॉलेज गेन कीजिए, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका इस्तेमाल करिए, लोगों को गाइड करिए, मोटिवेशनल वीडियो बनाइए या मोटिवेट करिए किसी भी तरह से लोगों को, और यहाँ पर या फिर कोई टीचिंग लाइन में आप जा सकती हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का मेरा मतलब यही है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर निकलिए, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। अभी मैं आपके लिए कुछ मैसेज देख लेती हूँ, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डेटिंग डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यू आर अनेबल इन माई हर्ट, और आई हेट दैट ही इज सो क्लोज टू यू, घृणा करते हैं वो जो भी आपके क्लोज आता है, तो आई लव यू कहते हैं। वाई आर यू सो सेक्सी, मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ में आपके लिए खुशियां आ सकती हैं। यहाँ पर मार्च मंथ आया है लिब्रा की राशि में, नवंबर मंथ था, मुझे तुमसे मिलना है, वो फिर से आपसे मिलना चाहते हैं काफी दिनों बाद, क्योंकि काफी अपसेट हो रहे हैं अभी आप दोनों, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मैं जो है आपके पर्सन की इनिशियल देख लेती हूँ और डेट ऑफ बर्थ देख लेती हूँ, पता चल जाएगा आपको कि क्या है आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। 16, 2, 18, 14, 13, 5, 19, 10, ट्वेंटी। अभी मैं आपके या आपके पर्सन की इनिशियल हो सकते हैं वो देख लेती हूँ, MGYHRXSZI भी है यहाँ पर, CMWNTO, ये उनके या आपके इनिशियल हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9466882423 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैंने बहुत सस्ता जो है ये ऑफर दिया आपको, आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।